बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं इस्माइल बाटलीवाला आज जो बात पेश कर रहा हूँ वो है उलमाए कराम, लीडरान और दानिशवरान के नाम एक संदेश। मौलाना हाली ने कुरान की एक आयत का तर्जुमा इस तरह किए हैं, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली न हो जिसको ख्याल है खुद अपनी हालत के बदलने का। उलमाए कराम, लीडरान और दानिशवरान साथियों, भारत को आजाद हुए 77 साल का अरसा गुजर गया है और अगर इन 77 सालों में नजर डालें तो इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि मुल्क में सबसे बड़ी सेकुलर मानी जाने वाली पार्टी कांग्रेस रही है, मगर उसने दौराने हुकूमत किसी भी कौम के साथ इंसाफ का काम नहीं किया है, बल्कि अंग्रेजों की तरह डिवाइड एंड रूल यानी फूट डालो और हुकूमत करो की पॉलिसी अख्तियार किए हुए थी और शुरू से ही कांग्रेस पार्टी इसी पॉलिसी पर चलती रही है। और इस वक्त भाजपा भी डिवाइड एंड रूल यानी फूट डालो और हुकूमत करो की पॉलिसी अख्तियार किए हुए है और ये भी बड़े बड़े पूंजीवादियों के अलावा किसी कौम के साथ इंसाफ नहीं कर रहे हैं। उलमाए कराम, लीडरान और दानिशवरान साथियों, हम और आप इसका मुशाहिदा करें तो मालूम हो जाएगा कि हर इलेक्शन से पहले मुल्क के बड़े तबकों को लड़ाकर उनके दिलों में नफरत और डर पैदा करके वोट लेना दोनों की राजनीति रही है। इसलिए छोटे छोटे तबकों ने अपनी अपनी पार्टी बना ली और अपने लोगों को मुत्तहिद करके अपने पहचान और अपना परचम बुलंद कर लिया है। आज उनके समाज में इज्जत है और वकार है। उन लोगों ने इंतखाब को ही इनकलाब का जरिया बनाया और आज वो कामयाब है। हर बार की तरह इस बार भी लोकसभा का फिर इंतखाब होने वाले हैं और सबने अपना अपना परचम बुलंद करके और अपनी कौम को मुत्तहिद करके और गठबंधन बनाकर हुकूमत की बागडोर संभालने वाले हैं। और इन्हीं हुकूमतों ने दंगा करवाकर मुसलमानों को फिर एक बार कांग्रेस के वोट देने पर मजबूर कर दिया है, इसलिए मुसलमान कांग्रेस की तरफ रुख कर रहा है। इसी गौरव फिक्र को लेकर देश भर के कई उलमाए कराम, कई दानिशवरान और कई लीडरान के साथ बैठकर और बहुत ज्यादा गौरव फिक्र करने के बाद सोचा है कि वाकई अगर इंतखाब को इनकलाब का जरिया मकसूद है तो इसके लिए अवलीन शर्त है कि तमाम दीनदार हलके और तमाम गिरोही जमातें मुफादात से बालातर होकर कोई मुत्तकफा लाहिय अमल तजवीज करें और अपना मजमूई वजन इंतखाबी पलड़े में डालें। तब तो उम्मीद की जा सकती है कि वतन अजीज में फिरका परस्त ताकतें नाकाम होगी और मुल्क में खैर फलाह का परचम बुलंद होगा, मगर अफसोस है कि सूरत हाल बिल्कुल इससे मुख्तलिफ है। जो लोग इस मुल्क में जमहूरी निजाम को बुलंद और बाला देखना चाहते हैं और जिनसे उम्मीद की जा सकती है कि वो फिरका परस्त ताकतों के सामने सीना सपर होंगे, उनका सिराजा इस तरह बिखार दिया गया है कि कोई मौजजा ही इनको मुत्तहिद कर सकता है, क्योंकि ये हजरात हालात वाकियात का सही तजजिया करने की सलाहियत से महरूम हो चुके हैं। ये मुसलमानों या मुसलमानों की बदकिस्मती ने इनको दूरअंदेशी पर पर्दा डाल दिया है। किस कदर अफसोसनाक और लायक सद मातम है कि जिन हजरात के कंधों पर मुल्क व मिल्लत की कयादत वो रहनुमाई का बार था, उनकी नजरों से मंजिल ओझल हो गई है और वो गिरोही भूल भुलैया में भटक गए हैं और इत्तेहादे मुल्क व मिल्लत से दूर निकल गए हैं। इसका नतीजा है कि हमारी नजरों के सामने बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई और देश भर में बहुत से मस्जिद और मदरसे और मजारे शहीद किए जा रहे हैं और उन जमीनों से भी बेदखल किए जा रहे हैं। हमारे सामने ही हमारी नौकरियां छीन लिया गया, हमारे बेकसूर बच्चों को गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया गया है
और आज भी जेल में डाला जा रहा है और इससे भी हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। आज जो सूरत हाल मुल्क के सामने नजर आ रही है उसको मद्देनजर इस्माइल बाटलीवाला टीम मुल्क के सभी उलमाए कराम, सभी दानिश्वरान मिल्लत और सभी लीडरान और कौम मिल्लत के हर फर्द से दरख्वास्त करता है कि वो सामने आए और मुल्क की तमाम मुस्लिम क़यादत वाली पार्टियों को मुत्तहिद करके इंतखाब को इनकलाब का जरिया बनाएं, क्योंकि देश की राजनीतिक फिजा हिंदू मुस्लिम में बदल कर नफरत बढ़ाने की कोशिश की जा रही है और उसकी वजह से कौम सहमी हुई है। इसके जाहिरी सतह पर सुकून होने की वजह से किसी को अंदाजा नहीं है कि अंदर अंदर कैसे कैसे लावे पक रहे हैं और मुल्क के खिलाफ साजिशों के कैसे कैसे जाल बुने जा रहे हैं। साजिश करने वालों के पास अरबों खरबों का सरमाया है और बैरूनी ताकतों की हिमायत हासिल है और रहनुमाई हासिल है और इसके लिए कोशिश में है कि मुल्क से जमहूरी जहन रखने वालों की आवाज को दबा दिया जाए या उनके वजूद को ही खतरे में डाल दिया जाए। उलमाए कराम, दानिशवरान और लीडरान साहिबों, मुस्लिम के बड़े लीडर हों, बड़े आलिम हों या छोटे कार्यकर्ता हों, सभी लोग कहते हैं कि भारत का मुसलमान बहुत कमजोर है, मगर मैं पूछना चाहता हूं कि कहां कमजोर है। डिफेंस और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन तुम्हारी औकाफ के पास है, लाखों मस्जिदें तुम्हारे पास हैं, लाखों मदरसे तुम्हारे पास हैं, लाखों मजारे तुम्हारे पास हैं, हजारों खानकाहें तुम्हारे पास है, हजारों जमातें तुम्हारे पास हैं, तुम्हारी तंजीमों की हजारों ऑफिसें तुम्हारे पास हैं, हजारों इमाम बाड़े तुम्हारे पास हैं, हजारों स्कूल तुम्हारे पास हैं, भारी भरकम वोट भी तुम्हारे पास है। बिजनेस में बड़े पूंजीपतियों को छोड़ दें तो बिजनेस में भी आप कम नहीं है। सरकारी नौकरियों में कम हो मगर प्राइवेट नौकरियों में और छोटे छोटे कारोबार में कम नहीं हो। पुरानी तालीम में कम नहीं हो मगर मौजूदा जदीद तालीम में जरूर कम हो। तुम्हारी सबकी जमीन जायदाद, खेत खलियान, घर कारखाने गोडाउन भी तुम्हारे पास है, मगर कमजोरी का सबब सबसे बड़ा कारण है कि मुसलमानों की तमाम सलाहियतें आपसी इख्तलाफात को हवा देने में मसरूफ हैं। इसकी वजह से आपका मनी पावर और मैन पावर बिखरा हुआ है, इसलिए आप नाकाम हैं। तमाम मिल्ली जमातें अपने इख्तलाफात के बावजूद दीनी वो मिल्ली महाज पर मुत्तहिद हो जाया करती थी और उसका इत्तेहाद फिरका परस्त ताकतों के लिए चैलेंज की हैसियत रखते थे, मगर मौजूदा सूरत हाल सबके सामने है। दीनी और मिल्ली जमातों का सिराजा कुछ इस तरह बिखरा हुआ है कि उनके दरमियान किसी अहम मकसद पर भी इत्तेफाक व इत्तेहाद का सवाल पैदा नहीं हो रहा है। इन तमाम सूरत हाल का अंजाम क्या होगा? उलमाए कराम और दानिशवरान कौम व मिल्लत को इस बात का अंदाजा है कि इन हालातों से निपटने के लिए तमाम मसलक के उलमाए कराम और दानिशवरान मिल्लत को एक साथ बैठकर गौर व फिक्र करने की जरूरत है। आपसी इख्तलाफात को भूलकर तमाम मुस्लिम क़यादत वाली पार्टियों को मुत्तहिद करके एक आला महाज बनाने की जरूरत है ताकि मुस्लिम वोट का बंटवारा नहीं हो और वजन भी कायम रहे। सरकारी आंकड़े के मुताबिक मुल्क में कन्याकुमारी से कश्मीर से कन्याकुमारी तक के इलाकों का मुआयना किया जाए तो तकरीबन 90 जिले हैं जिसमें 174 लोकसभा सीट पर मुसलमान फैसलाकुन असर रखते हैं। उलमाए कराम, दानिशवरान और लीडरान साहिबान
भारत का आईन चीख चीख कर कह रहा है कि जिस कौम की अपनी कयादत नहीं उस कौम की हुकूमत में साझेदारी नहीं होगी। हुकूक व इंसाफ के लिए उलमाए कराम और दानिशवरान हजरात को मैदान में आना ही होगा और जुल्म व सितम का डट कर मुकाबला करना ही होगा। इसलिए आज जरूरत है कि मुस्लिम कयादत वाली तमाम पार्टियों को मुत्तहिद करके एक मंच पर खड़ा करना जाए। पहले मुस्लिम सियासी परिवार को एकजुट करके मेजबानी के लिए तैयार होना चाहिए, उसके बाद दूसरे समाज के सियासी परिवार को भी दावत देना चाहिए। एनडीए और इंडिया की तरह देश में और मुस्लिम लीडरशिप में एक गठबंधन की जरूरत है, मतलब एक मोर्चे का गठन होना चाहिए जिसकी अगुवाई मुस्लिम लीडरशिप करे। दलित दूसरों के सहयोग से हुकूमत बना सकता है, यादव दूसरों के सहयोग से हुकूमत बना सकता है, कुर्मी दूसरों के सहयोग से हुकूमत बना सकता है, ब्राह्मण दूसरों के सहयोग से हुकूमत बना सकता है और मुसलमान भी दूसरों के सहयोग से इस देश में हुकूमत बना सकता है। सभी मुस्लिम पार्टियों को मिलकर एक फ्रंट बनाने की जरूरत है और सभी सेकुलर पार्टियों से सियासी गठबंधन का दरवाजा खुला रखने की जरूरत है ताकि सरकार में भागीदार हो सके और मुसलमानों के साथ साथ दूसरे तबकों को भी इंसाफ दिला सके। अल्लामा इकबाल का एक कलाम पेश कर रहा हूं, वो कल के गमो ऐश पे कुछ हक नहीं रखता जो आज खुद फरोज जिगर सोच नहीं है, वो कौम नहीं लाए के हंगामा फरदा जिस कौम की तकदीर में इमरोज नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुसलमानों को हक व इंसाफ के लिए दुनिया में नायब वो खलीफा बनाकर भेजा है, इसलिए हम अपनी जिम्मेदारियों से हरगिज मुकर नहीं सकते। साथियों, हमारी टीम मेहनत करती है, पैसे खर्च करती है और मैं खुद गांव-गांव, शहर-शहर दौरा करता रहता हूं, इसलिए आपसे इतनी उम्मीद करता हूं कि अपने घर पर बैठकर अपने मोबाइल से हमारी बात को लोगों तक पहुंचाते रहोगे। हक लेने और हक देने के लिए अल्लाह हम सबको सही समझ अता फरमाए, आमीन। अगर हमारी बात सही लगी है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कौन सी बात अच्छी लगी है और कौन सी बात अच्छी नहीं लगी है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर बजाएं। जय हिंद।